गाइस फ्री फायर में न्यू इवेंट आ चुका है फेडरेड व्हील वाला। तो ये 16 से 22 जून तक है और इसमें हमें न्यू बंडल देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट पिन 9 डायमंड से स्टार्ट होगी, तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें इसमें करना क्या है। तो गाइस इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं 2199 डायमंड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमूव टू अनडिजायर्ड आइटम्स फ्रॉम प्राइस पूल, के वो दो चीज़ें रिमूव कर दें जो आप नहीं लेना चाहते, क्या आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर नहीं मौजूद होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो हमें नहीं ज़रूरत है वो ये आइटम हो गई, और दूसरी आइटम यहाँ पर जो हमें नहीं चाहिए आई थिंक ये वाली होगी। चलो सही हो गया। तो फर्स्ट जो स्पिन है वो 9 डायमंड से स्टार्ट होगी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितने में होगी चलो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्पिन करने वाले हैं, तो फर्स्ट स्पिन 9 डायमंड से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्पिन फर्स्ट स्पिन फर्स्ट स्पिन, तो फर्स्ट स्पिन में हमारा मास्क निकला है, साइबर मास्क बोलते हैं इसको। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कूल है, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा कैसा लगेगा, कैसा देखने में होगा। तो यहाँ पर हमारी सेंगर स्पिन सेंगर स्पिन, तो सेंगर स्पिन में हमारा ये निकला है मतलब बैनर, काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, रेड कलर का बना हुआ, तो मुझे तो काफ़ी कूल लगा ये बैनर मतलब। तो बाद में उधर जाकर देख भी लेंगे कैसा है। तो थर्ड जो स्पिन है वो है 59 डायमंड्स की, मतलब इतने ज़्यादा डायमंड नहीं लगने वाले मुझे यहाँ तक लगता है। तो यहाँ पर थर्ड स्पिन में हमारा निकला है लेवल 4 का कार्ड, लेवल 4 का कार्ड निकला है हमारे थर्ड स्पिन है। फोर्थ स्पिन 99 डायमंड्स की है। तो यहाँ पर हमारी फोर्थ स्पिन होती हुई, तो यहाँ पर फोर्थ स्पिन में क्या निकलेगा, तो सरबोर निकला ही, तो इसका नाम है रियोट अकेडमी सरबोर। तो काफ़ी कूल लग रही है मुझे दिखने में, तो बाद में देखेंगे, बाद में आपको दिखा दूंगा। तो जो नेक्स्ट स्पिन है वो 199 डायमंड्स की है। तो नेक्स्ट स्पिन देख लेते हैं हमारा बंडल निकलेगा कब निकलेगा। तो यहाँ पर रैबल एकेडमी का अवतार अवतार मिल चुका है हमें, रैबल एकेडमी का जो कि इंक्यूबेटर आया हुआ है उसके ऊपर बना हुआ है। तो काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे पास दो ही चीज़ें रह गई हैं, 299 डायमंड्स और लास्ट मुझे लगता है 499 की होंगी। तो डायमंड्स अभी तक कितने लगे हैं, सिर्फ 400 डायमंड लगे हैं अभी तक। तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, बंडल नहीं, बंडल नहीं, तो फ्रैगमेंट निकला हमें। तो हमारी तकरीबन अभी 700 डायमंड लगे हैं, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं 499 डायमंड्स की ये है ये स्पिन। तो देखते हैं क्या निकलता है, क्या निकलेगा यहाँ पर AN9। तो फाइनली यहाँ पर AN94 की हमारी निकल आई। तो जल्द जो लास्ट स्पिन है वो है 899 की, तो यहाँ पर कर लेते हैं लास्ट स्पिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंडी ट्रेंडी क्लम्बर बंडल हमारा निकल आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कंफर्म। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 2 टाइम स्पिन करोगे तो फिर आपको क्रेट मिलेगा, इसके अलावा 4 टाइम्स पर भी आपको 2 टाइम वोचर मिलेंगे, 6 टाइम्स पर भी आपको वोचर मिलेंगे। तो इसको कर लेते हैं ओपन। तो हमारे पास सिर्फ 97 डायमंड्स बचे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 97 डायमंड बचे बचे हैं, तो क्रेट को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर क्रेट को कर लिया ओपन, बंडल्स को भी कर लेते हैं ओपन। तो अभी हम कर लेते हैं बंडल को ओपन। तो बंडल फाइनली ओपन हो चुका है, और कैसा लग रहा है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके ग्लासेस ले लो, इसकी शर्ट ले लो, पैंट ले लो, तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मुझे तो काफ़ी कूल लग रही है। इसके अलावा हमारी एक गन स्किन की निकली थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है वो, दिखने में कूल है या अच्छी है या नहीं। तो अभी यहाँ पर थी, तो ये तो हमें फ्री में मिली है, इसके अलावा यहाँ पर हमारी निकली थी। तो गाइस ये वाली है, तो दिखने में काफ़ी कूल लग रही है, एक वाइप कर लेते हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी मतलब इस पर स्किन बनी हुई है, काफ़ी कूल है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली स्किन, तो काफ़ी अच्छी है। मतलब इसका जो है ना रेट ऑफ फायर भी अच्छा है, मैगजीन भी अच्छी है, बस इसकी रीलोड स्पीड कम है। तो इसके अलावा हमें अवतार मिला था, अवतार भी दिखा देता हूँ। तो अवतार कहाँ पर था, अवतार अभी ढूंढने में थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अवतार मौजूद हैं, मेरे ख्याल में ये वाला था। तो अवतार भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कूल है। इसके अलावा हमें बैनर भी देखने को मिला था, एक बैनर भी था, तो बैनर ये वाला है। तो बैनर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी कूल है, मतलब जो रेबल एकेडमी आया है उसके ऊपर बनाया हुआ है, तो काफ़ी कूल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी कूल है, मतलब गन स्किन भी काफ़ी अच्छी है, और बंडल की तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा बंडल है, ट्रेंडी क्लम्बर बंडल है इसका नेम, तो काफ़ी कूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये बंडल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस पर कितने डायमंड लगे हैं हमारे हमारे इस पर 2,000 डायमंड लगे हैं, तो 2,000 डायमंड में ये हमें मिल चुका है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, होपफुली आज मेरे 5K कंप्लीट करवा देंगे आप, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।